बोलता बिहार न्यूज मीडिया में आपका स्वागत है। बिहार सरकार के विश्वास मत हासिल करने का प्रशांत किशोर का तंज, मुख्यमंत्री जी को हवा हवाई किला बनाने दीजिए। 42 विधायक की कुल जमा पूंजी अगले विधानसभा से पहले फिर बदलेगा, इसको मैं लिख कर देता हूँ। जन सुराज के सूत्रधार प्रशांत किशोर ने बिहार में चल रहे राजनीतिक उठा पटक के बीच कहा कि नीतीश कुमार को पूछता कौन है, ये बिहार में और बिहार के लोगों के मुख्यमंत्री हैं, तो हम लोगों को बोलना पड़ता है। दूसरे राज्यों में क्या कोई संज्ञान ले रहा है कि नीतीश कुमार कौन है? आप जरा समझिए कि नीतीश कुमार किसी नेता या दल को क्या ऑफर कर सकते हैं। बिहार में नीतीश कुमार इतना बड़ा चेहरा है नहीं, न ही इनकी कोई विचारधारा रह गई है। हर 6 महीने पर ये पलट जाते हैं। नीतीश कुमार का पूरे देश में नाम है पलटू राम। गवर्नेंस के तौर पर भी देखें तो सबसे पिछड़ा और गरीब राज्य बिहार है। ऐसा तो होगा नहीं केरल का कोई आदमी कहेगा कि हमें बिहार की जैसा बनाना है, तो इसलिए नीतीश कुमार को नेता मान लें। नीतीश कुमार की कुल जमा पूंजी 42 विधायक की है। नो आपके पास राजनीतिक काबिलियत है, नो राजनीतिक इमेज है, नो सुशासन को किस आधार पर आपको कोई नेता मानेगा? नीतीश कुमार ऐसे हवा हवाई किला बनाते रहते हैं, जब इंडिया में सब में अपने हिस्से का उन्हें नहीं मिला तो पिछले दरवाजे से वो भाग गए। अगले विधानसभा से पहले ये फॉर्मेशन फिर बदलेगा, इसको मैं लिख कर देता हूँ। आज इस फॉर्मेशन में बिहार में जो व्यवस्था है इसमें नीतीश कुमार का चेहरा है, बीजेपी सपोर्टर की भूमिका में है और दूसरे साइड आरजेपी जेडी है जिसे सपोर्ट कांग्रेस कर रही है। मैं आप सभी को बता देता हूँ इस फॉर्मेशन नीतीश कुमार को पूछता कौन है, ये तो बिहार में आप लोग हमारे चूंकि मुख्यमंत्री हैं तो हम लोग को इन पर बोलना पड़ता है। आप किसी दूसरे राज्य में जाइएगा तो कोई इस बात का संज्ञान भी ले रहा है क्या कि कौन है नीतीश कुमार? आप जरा ये समझिए कि नीतीश कुमार क्या ऑफर कर सकते हैं किसी दल या गठबंधन को। इनके पास कोई इतना बड़ा ये चेहरा है नहीं, कोई इनकी आइडियोलॉजिकल विचारधारा वाली पोजिशनिंग है नहीं, हर 6 महीने पे पलटते हैं। पूरे देश में इनका नाम है पलटू राम। दूसरा, इन्होंने गवर्नेंस के स्तर पर पूरे देश में सबसे गरीब और पिछड़ा राज्य है बिहार, तो ऐसा तो होगा नहीं कि केरल का आदमी कहेगा कि केरल को बिहार के जैसा बनाना है इसलिए नीतीश कुमार को नेता मान ले। तीसरा, दल की सुनो मेरी बात, दल की आपकी ताकत है नहीं, कुल जमा पूंजी आपकी 42 विधायकों की है, तो ना आपके पास राजनीतिक काबिलियत है, ना आपका इमेज है, ना सुशासन गवर्नेंस है, किस आधार पर आपको कोई नेता मान लेगा? ये तो नीतीश कुमार ऐसे हवा हवाई किला बनाते रहते हैं और जब वो नहीं मिला तो तुरंत पिछले दरवाजे से भागा भाजपा की ओर। और आपको एक और घोषणा कर देता हूं, अगले विधानसभा से पहले, इसको भी आप लोग चला दीजिए कोट करके, ये फॉर्मेशन फिर बदलेगा, इसको भी लीक कर दे देता हूं। आज जिस फॉर्मेशन में बिहार में व्यवस्था है जिसमें नीतीश कुमार चेहरा है, बीजेपी सपोर्टर की भूमिका में है और दूसरे साइड आरजेडी है और बाकी लोग उनको सपोर्ट कर रहे हैं, इस फॉर्मेशन में विधानसभा का चुनाव नहीं होगा।